एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज है संडे और आज है फर्स्ट अगस्त, फ्रेंडशिप डे भी है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको। और अभी मैं ब्रेकफास्ट लंच कर उठे ही इतना लेट है। मेरे तरफ से भी फ्रेंडशिप डे डेज, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे सब गाइस को, एक मुझे सबको, एक मुंह से सबको एक ही मुंह से सबको बोल दे। किसी के चार मुंह थोड़ी होते आई। बिल्कुल, तुम रावण थोड़ी हो। तड़का लग रहा है, ये हमारा बन रहा है सांभर, बन चुका है। और बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी और इडली बन रही है हमारी तड़का लगाने के बाद। हमारा सांभर बन चुका है, तो आज हमारा ब्रेकफास्ट लंच जो भी समझ सकते हो यही बन रहा है। फिर उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने। बहुत दिन हो गए कहीं नहीं गए, अब तो सब धीरे धीरे निकलने लग गए हैं। जाएं पर सेफ्टी के साथ, बिल्कुल। तो फिर हम लोग अभी जाएंगे। हम भी बहुत दुखी है, जल्दी जाओ, दो तीन घंटा शांति के मिले। तुम ही नहीं दुखी हो, 24 घंटे रह सकते स्कूल में। ये कुछ दिनों की बात है माही। नहीं, मैं हमेशा रह सकती हूँ उधर। माही इंतजार कर रही कि हर स्टेट में, पर दिल्ली में वैसे स्कूल खुल जाने चाहिए। मुझे लगता है अब स्कूल खुल ही जाने चाहिए। खुल जाएंगे। देखो हमारे सीएम केजरीवाल जी क्या डिसीजन लेते हैं। वैसे स्कूल खुल जाने चाहिए क्योंकि बच्चे भी बोर, और घर पे वो स्टडी हो नहीं पा रही है। जो पेरेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि रियली वो वाली पढ़ाई बच्चों की इस टाइम घर पे वो हो नहीं पा रही है जो होनी चाहिए। स्कूल में जाहिर सी बात है, स्कूल का एक अलग ही वो होता है। तो देखो गवर्नमेंट ज़्यादा हमसे बेटर जानती है क्या डिसीजन लेती है। और स्टेट में तो खुल ही रहे स्कूल, तो धीरे धीरे ये भी खुल जाए। और बारिश सुबह इतनी अच्छी हुई और उसके बाद जो वो गंदी वाली धूप निकली और ह्यूमिडिटी हुई ना, सारा मूड खराब कर दिया। जब मैं उठी मैंने कहा कितना अच्छा मौसम है, आप पसीने देख सकती हैं, देखिए। किचन में होंगे तो पसीने ही होंगे, गर्मी होती है। काम जो काम करेगा उसी को पसीने होंगे, उसको पसीने कहाँ से होंगे जो काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रही, कितनी गीली हो गई मैं तो। सो अब मैं जा रही हूँ नारियल की चटनी में तड़का लगा नहीं, फिर मैं लगा तो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये हमारा रेडी सांभर, नारियल चटनी, इडली, तो मैं सबको देने जा रही हूँ और फटाफट हम इसको खा लेंगे। एंजॉय। गए हैं रेडी गुम्मी गुम्मी के लिए। हाँ आयु अभी कुछ कह रहा था, मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड करके डालूं। क्या आयु, क्या किसी ने, कई लोग सही कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकअप करना आना चाहिए, झाड़ तो सैया जी भी लगा लेंगे। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। अब ये तालियों को इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर। हम जा रहे हैं घूमने लेकिन हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। बाहर जाने के बाद पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पता ही नहीं हमको, है ना, कुछ पता ही नहीं है। बस हम जा रहे हैं, ऐसे रोड देख के आते हैं फिर। सो फाइनली हमारा डिसाइड हो गया था कि हमें कहाँ जाना है, तो रास्ते में ही हमने डिसाइड कर लिया था इधर जाए उधर जाए। तो हम लोग जा रहे रेल म्यूजियम, दिल्ली में जो रेल म्यूजियम है बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा तो नहीं है बट अब मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ, बच्चे भी पहली बार जा रहे हैं, तो लेट्स सी देखते हैं कि कैसा है बच्चों के लिए। सब कहते हैं बहुत अच्छा है, बच्चों को लेके जाना चाहिए, तो बस हम वहीं जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। आगे घूमने और कहाँ आए हैं, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, रेल म्यूजियम आ गए हैं। ये देखो दोनों एक्साइटेड हैं, आयु को ट्रेन में बैठना है। कैसा लग रहा है आयु? मैं भी को आना ही नहीं था, नहीं आना था, नहीं आना। तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारी तो फेवरेट चीज है ट्रेन। हमको रोडी गाना नहीं आना। कोई नहीं, पहले ट्रेन में घूम ले। ट्रेन में मैं को तो पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है? हाँ? आई को तो बहुत ज्यादा नहीं। ओ
सर पैदल ज्यादा चलना है लग रहा है। जॉय ट्रेन ही ना जो पहली वाली ना वो कौन सी है पूछ लो। ट्रेन यहाँ चलेगी ट्रैक पे चलेगी इधर होगी और सबसे ज्यादा इसी की टिकट ली है लोगों ने पता है। बस वन राउंड करेंगे बच्चों वाली चीजें करने आए हम हैं। क्या चीज आयु आदु कैसा लग रहा है आयु देख लो हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठने हैं और महज बन जाएंगे बच्चे। टाई नहीं लिया टाई वाले क्योंकि ऊपर से खुला रहते आयु की एक्साइटमेंट देखो आयु की एक्साइटमेंट है तुम्हें नहीं है ठीक है तुम मत बैठना तुम्हारे तो टिकट फिर फालतू ली हमने। वाह वाह भीड़ देखो अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कर आएगा हमारा नंबर भी आएगा। ट्रेन जा रही है काफी टाइम से बैठे भी नहीं है ट्रेन रियल ट्रेन लग रही है रियल ट्रेन ही है बस छोटी सी है बहुत छोटी सी पहले छोटी गेज की ट्रेन चलती थी ना ऐसे ही चलती थी पहले वहाँ गए थे शिमला में नहीं थी मैं शिमला में तो चलती ही चलती वाह बड़ी धीरे जा रही है बहुत धीरे तो तुम क्या शताब्दी की तरह चलेगी मास्क लगा टिकट देना मैं माई मास्क लगा लो तुम्हारा ही नीचे उतरता है तुम्हारा मास्क ज्यादा उतरता है किसी क्या अब दोबारा थोड़ी यूज हो रहे हैं हेलो हाँ जी सर ट्रेन चल गई हमारी कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं 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 उससे कोई दिक्कत नहीं है ये कल की डेट आज की डेट का बन ट्रेन में बैठने की देखना ये हमारी ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है ट्रेन में घूम चुके हैं अब हम जा रहे हैं म्यूजियम में देखना बड़ा मजा आया माही ट्रेन में कैसा लगा बैठ गए आयु तो ज्यादा ही एक्साइटेड है ना नहीं गर्मी बहुत है सुबह इतनी बारिश हो रहा है इस टाइम इतनी गर्मी देखो कैसी कार कहाँ लिखा वो बुलेट ट्रेन ओ वाह मेट्रो में जिस जिसको बैठना है कितना अच्छा बनाया है वैसे बड़ोदरा वाला स्टेशन है गोदावरी नगर रीवा बीच बहुत ही शानदार है ना अच्छा लग रहा है ये देखना क्या रूट प्लान है उसका पूरे बड़ोदरा में
तो दिल्ली को बताना चाहिए कि बड़ौदरा को बताना चाहिए? अच्छा पहले गुजरात में बिनानी सीमेंट। हाँ ये गोदावरी नदी के ऊपर पुल बनाया है और एक ऐसा बन रहा है, ये देखो ये पता क्या बना रहे हैं? आयु इंजन चला रहा है ना आयु। पसीना बाहर आ चुका है इतनी गर्मी की, सारे बालों की गर्मी तो है। कौन अभी तो देख के आ, फिर भाई क्या देख के आना? अब हम लोग निकल रहे हैं, क्या टाइम हो गया? 5 बज गए। अब तो वैसे भी अभी बाहर ही कर देंगे। अभी हम लोग जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं, थक गए ही घूम घूम के। अभी हम लोग जा रहे हैं लोधी गार्डन। घूम चुके हैं और हमें मजा आ चुका है, लेकिन आयु को मजा नहीं आया। आयु सैडी सैडी हो गया है, आइसक्रीम खाने के बाद भी, टिक्की खाने के बाद भी, फिर भी आयु का मुंह ऐसा सैडी सैडी क्यों है? क्यों है आयु इतनी नाराजगी? कैसे भारत जानना चाहता है इतनी नाराजगी के अंदर? ये माही है ना, इसको जानबूझ के परेशान करती है। आयु ने इतना घूम लिया और आयु कह रहा है आयु को घर नहीं जाना है, उसको लोधी गार्डन। आयु को घूमने के बाद भी, अरे भाई आप वापस जाऊं कितना मस्त लग रहा है वेदर देखना, वाह। आज की स्क्रीन गई ना, मैं तुम दोनों, हम घूमी घूमी करके आ गए हैं। आयु ने आज क्या क्या खाया आयु बता दो? आइसक्रीम और चाट है, आइसक्रीम और चाट और टिक्की। हाँ खा लिया। अब हम आ गए घर और बज रहे हैं अभी रात के 8:15 और हम थक चुके हैं। अब ड्रेस कपड़े चेंज करने हैं, फेस वॉश करना है। स्कूल खुले रहता अभी, हम खा पी के सो जाते हैं। हाँ तो स्कूल अभी खुले नहीं है ना, 15 अगस्त कब खुलेंगे? 15 अगस्त के बाद, वो भी 8 से लेकर 12। तुम तो अभी थर्ड में हो, तुम्हारे तो नहीं खुलेंगे अभी। हाँ मैगी बना दो, भूख। आई को खाना है मैगी, आयु को हमारे बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है और आयु को खाना है मैगी। क्या खाना आयु? मैगी। और मैं अभी पीने जा रही हूँ चाय, सर दर्द हो रहा है तो हम लोग पीने जा रहे चाय, इतना लेट क्या करें? क्योंकि हमने खाया ही शाम को लेट था, पहले दोपहर में लेट खाया, फिर वहाँ गए तो फिर लेट खाया हमने, फिर उसके बाद फिर लेट 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 लेट। चलो एक दिन तो छूट बनती बनती है। अच्छा इडली सांभर जो मॉर्निंग में बनाया था वो भी पड़े, तो इडली सांभर खाना है मैगी डिसाइड कर लो, उसके बाद मैगी खाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करें ब्यूटी, ऐसे करेंगे कि इडली सांभर दे रही हूँ, मतलब बना रही हूँ बना रही हूँ, फिर बनाएंगी नहीं। आयु और ब्यूटी की लड़ाई कारगिल के युद्ध के बराबर है। तो बहुत थक चुके मैं, इसने इतना पैदल चलाया, इतना पैदल चलवाया है कि हमारे पैर दर्द हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और चलिए गाइस, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए फटाफट मेरे चैनल को। और आयु माही की लड़ाई शुरू हो चुकी है, मैं जा रही हूँ निपटाने, तब तक बाय बाय।